नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। दिल्ली एनसीआर में 20 बड़े स्कूलों में बम की धमकी मिली है। दिल्ली के 18 बड़े स्कूलों में बम की धमकी दी गई है। नोएडा डीपीएस और ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में भी धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद स्कूलों को खाली कराया गया है। ईमेल के जरिए स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है। तो दिल्ली के 20 स्कूलों में बम की धमकी मिली और नोएडा के 2 बड़े स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है, और जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन सभी स्कूलों को खाली करा दिया गया है। बच्चों को घर भेज दिया गया है। स्कूल की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है और स्कूल में पहुंच चुका है और स्कूलों में जांच चल रही है। स्कूलों में बम की धमकी के बाद जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पाया गया है कि एनसीआर के इलाकों में स्कूलों को ईमेल भेजे गए हैं, वो शरारती तत्वों द्वारा भेजे गए हैं। जांच में साइबर एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। नोएडा में डीपीएस सेक्टर 30 स्कूल को भी बम की धमकी मिली है और बताया जा रहा है कि दिल्ली इंग्लिश एकेडमी के नाम से ईमेल यह है स्कूलों को भेजा गया है और उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। तो हम डेफिक्स के माध्यम से भी आपको जानकारी दे रहे हैं वो कौन कौन से स्कूल है जहां पर बम होने की धमकी जो है वो जारी की गई है। ईमेल का आईपी एड्रेस अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम स्कूलों में पहुंची है और तफ्तीश जो है वो लगातार की जा रही है। डीपीएस द्वारका और जहां पर बम की धमकी मिली और साथ ही डीपीएस नोएडा में भी और ग्रेटर नोएडा में भी जो डीपीएस का स्कूल है, तीनों स्कूलों में ईमेल के जरिए बम होने की धमकी दी गई है। साथ ही डीपीएस वसंत कुंज में भी और एमिटी स्कूल साकेत में भी जो है वहां पर भी धमकी मिली है ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की। संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी में जो है, मदर मैरी मयूर विहार फेज 1 और डीएवी स्कूल वहां पर भी बम होने की सूचना दी गई है जो वसंत कुंज में है। तो इन सारे स्कूलों में बच्चों को फिलहाल घर भेज दिया गया है, स्कूल खाली करवा दिए गए हैं। सुबह 4:15 बजे के आसपास एक कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे, जिसमें हमारी एएसटीएफ टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पर हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज़ ना हो। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। संवाददाता शंकर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। शंकर, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास है, क्योंकि पहले 4 स्कूलों का नाम सामने आया, बताया जा रहा है कि 20 ऐसे स्कूल थे जहां पर ये बम होने की सूचना की धमकी जो है मिली थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है? देखिए, इस वक्त की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर को मैं थोड़ा सा और अपडेट करूंगा कि दिल्ली पुलिस को आज बॉम्ब की जो खबरें हैं, कुल 60 ऐसे कॉल्स आए हैं, 60 ऐसे मेल्स की जानकारी मिली है जिसमें कि ये बताया गया कि स्कूल में बॉम्ब है, स्कूल सहित कुछ अन्य संस्थान में। तो समझा जा सकता है कि अभी तक जो जानकारियां थोड़ी देर पहले तक थी वो थी 11 स्कूलों में बॉम्ब होने की खबर मिली थी, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़ के 60 हो चुका है। 60 स्कूल और सहित अन्य जो संस्थान है वो वहां पर बम होने की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है। और इस तरह की जो जानकारी है, देखिए सबसे पहले जो तमाम स्कूलों की अगर बात करें तो मेल के माध्यम से जानकारी साझा किया गया, उसके बाद इस मामले की जानकारी स्कूल प्रशासन के द्वारा तमाम जानकारियों को स्थानीय पुलिस को दिया गया, दमकल विभाग को दिया गया, उसके बाद ये जानकारी निकल के सामने आई। और अब जिस तरह से बकायदा इस मामले में दिल्ली दमकल विभाग यानी कि दिल्ली फायर ब्रिगेड
सर्विस के द्वारा ये इस मामले में औपचारिक तौर पर पुष्टि किया गया है कि अब तक 60 से ज्यादा कॉल मिल चुके हैं, यानी कि 60 से ज्यादा कॉल ऐसे जो बम होने की जानकारी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे राहत की बात कही जा सकती है कि अभी तक किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध सामान या बॉम्ब जैसी सामान जो है वो बरामद नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर एहतियात के तौर पर शिक्षकों के द्वारा मेल पता है, मेल में क्या लिखा था, फोन कॉल्स में क्या कहा जा रहा था, क्या आपके पास जानकारी है, स्पष्ट जरा बताइएगा। लेकिन देखिए, मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि सबसे राहत की बात है कि जिस तरह से ये खबर आई, खबर होने के बाद या अगर मामला सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता तो हो सकता है कि अफरा तफरी मच सकता था। लेकिन स्कूल प्रशासन ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए तमाम शिक्षकों को उनके पर्सनल मैसेज पे जो पेरेंट्स हैं उनको बाकायदा सूचित किया गया कि आज छुट्टी है, और छुट्टी होने की वजह नहीं बताई गई जिससे कि उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल ना हो। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं आज स्कूल भी पहुंच गए, उसके बावजूद उनको नहीं बताया गया, बोला कि नहीं कुछ अत्यंत कारण के वजह से आज उनको छुट्टी दिया गया, क्योंकि अगर उसको वजह बताया जाता तो हो सकता है कि माहौल जो है खराब हो सकता था, पेरेंट्स घबरा सकते थे, बच्चे परेशान हो सकते थे। और इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये स्कूल अमेठी इंटरनेशनल स्कूल पुष्प विहार साकेत का ये स्कूल है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जो एक दिल्ली पुलिस का एक वैन भी मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो यहां से गुजरती हुई है। देखिए इस पुलिस वैन को यहां पर देखा जा सकता है, और इस पुलिस वैन में खुद वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। एक तरह से कहा जा सकता है कि साउथ दिल्ली का ये सबसे पॉश इलाका माना जाता है, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है साकेत, और साकेत में कई स्कूलों में इस तरह की खबरें आई हैं। और अगर पूरे दिल्ली की बात करें तो अभी आधे घंटे पहले तक हम लोग की जानकारी थी कि 11 स्कूलों में ऐसी कॉल आई है, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़ करके 60 तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, समझना लाजमी है कि आखिर ये मेल करने वाला शख्स कौन है, क्या उसकी मंशा रही थी, इस कॉल करने की मंशा क्या रही है, क्या यह किसी की शरारत है या एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है। तो इस तरह के कई सवाल हैं जिसको अब दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन अब जिस तरह से ये मामले अगर कहे हैं तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हो सकता है कि इस मामले पर तफ्तीश के लिए स्पेशल सेल को सौंपा जा सकता है यह मामला, और स्पेशल सेल इस मामले की तफ्तीश करेगी। देखा जा सकता है अभी भी कई जो स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि अब स्कूल से छुट्टी कर दी गई है, तमाम जो छात्र हैं वो अपने अपने घर जा चुके हैं। अभी भी कुछ छात्र हैं जो अभी स्कूल के अंदर हैं, अब धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को जैसे जैसे जानकारी हो रही है वो आ करके अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इसके साथ ही जो आसपास है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दिया गया है, तमाम स्कूलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा मैसेज सर्कुलेट किया गया और अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं जिससे कि अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को सूचित किया जाए। और स्पेशल सेल की बात कर रहे हैं, देखिए इसी स्कूल की बात करें, इसी स्कूल के ठीक पीछे स्पेशल सेल का एक दफ्तर है, और समझा जा सकता है कि बिल्कुल शंकर कहीं हम कहेंगे कि पुलिस की सतर्कता थी कि यहाँ पर सारी चीजों को कंट्रोल कर दिया गया और जांच आगे की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको देंगे, जहां उधमपुर जिले में हमला करने के बाद आतंकियों के ग्रुप की तलाश जारी है और सुरक्षा बल को आतंकियों के ग्रुप को स्पॉट करने में सफलता हासिल हुआ है। कठुआ जिले की बानी में आतंकियों के ग्रुप को देखा गया है, बनी में घने जंगलों की आड़ में आतंकियों के होने की खबर है। ड्रोन के जरिए आतंकियों को देखा गया है और सुरक्षा बल ने चारों तरफ से घेर लिया है, कभी भी आतंकियों के साथ इनकाउंटर शुरू हो सकता है। तो देखिए सुरक्षा बलों के ड्रोन में आतंकी जो है वो नजर आई हैं। कठुआ के बनी में ये जंगलों में छिपे हैं आतंकी, जिन्हें ट्रैक कर लिया गया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया, पूरे इलाके को घेर लिया है और बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए जो है नजर रखी जा रही है। 28 अप्रैल को इन लोगों ने हमला किया था और सुरक्षा बल के ड्रोन जो है वो लगातार इन पर निगरानी कर रहे थे, और ऐसे में बताया जा रहा है कि कठुआ के बनी जंगल जो है घने जंगल है और इन्हीं जंगलों में ये आतंकी छिपे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही समय बाद ऑपरेशन भी शुरू कर दिया जाएगा इन आतंकियों को पकड़ने के लिए। और अब खबर हैदराबाद से आपको देंगे, आज गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में लाल दरवाजा स्थित नेहरू प्रतिमा से सुधा टॉकीज तक रात 8 बजे से 9 बजे तक रोड शो करेंगे। हैदराबाद से 4 बार के सांसद
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। और कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। अमेठी और रायबरेली के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, राहुल के नहीं मानने पर कांग्रेस का प्लान बी तैयार है। केएल शर्मा, दीपक सिंह के नाम को लेकर चर्चा है। आराधना मिश्रा, आशीष कौल भी रेस में शामिल है। तो फिलहाल आज कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केएल शर्मा, दीपक सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा है। आज कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई है। और इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है और इसी मुद्दे पर अब सियासत गरमाई हुई है। वजह है चुनाव आयोग के आंकड़ा जारी करने में लगा वक्त, जिसके बाद विपक्षी दल इसे लेकर आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के वोटर टर्नआउट का आंकड़ा मंगलवार शाम जारी कर दिया। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को वोटर टर्नआउट का आंकड़ा जारी किया, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी नेता ड्रेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि दूसरा चरण खत्म होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े में 5.75% की वृद्धि हुई है, क्या यह सामान्य है? मुझे यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा। तो वहीं इस आंकड़े के सामने आने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ईसीआई को चुनाव से जुड़ी सभी आंकड़े पारदर्शी तरीके के साथ सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर मतदान का प्रतिशत जारी कर देता था, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनका काम ही केवल सवाल खड़े करना है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टीज बार बार सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी संविधान के ऊपर, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तहकीकात करने के बाद घोषित करती है कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। हकीकत तो ये है कि जनता बाहर आके टीएमसी और कांग्रेस जैसे पार्टीज को वोट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बवाल उठाते हैं और बवाल मचाते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। इस डेटा के सामने आने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देर क्यों लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ कांग्रेस ने बेंगलुरु बीजेपी मुख्यालय के बाहर एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने सेक्स स्कैंडल के आरोपी रेवन्ना के विदेश भागने को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। रेवन्ना के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। श्रीनिवास बीबी ने केंद्र सरकार को घेरा है। रेवन्ना के खिलाफ यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। बेंगलुरु कर्नाटक की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीनिवास बीवी ने केंद्र सरकार को घेरा है। रेवन्ना के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एक प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको देंगे, मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मरियमा आलम खां पर केस दर्ज किया गया है। मरिया आलम खां ने सोमवार को फरुखाबाद में मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।
क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जहर कर सकते हैं और इस तंगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। फरुखाबाद में इंडी गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की। वोटों का जिहाद करो। मारिया आलम खान के इस बयान के बाद बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। सलमान खुर्शीद और मारिया आलम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मारिया आलम खान जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। FST टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर IPC और भारत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ वोट जिहाद की अपील के बाद BJP ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चुनाव में भी अब विपक्ष को वोट जिहाद नजर आ रहा है। वहीं UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब देश में कोई जिहाद नहीं चलेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, PFI के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है, अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने का काम है। वोट जिहाद की अपील करके कांग्रेस ने बैठे बिठाए BJP को मुद्दा दे दिया है। BJP अब चुनाव आयोग से सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी पर एक्शन लेने की मांग कर रही है। कोटा में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल और क्रेटा कार को भी जब्त किया गया। आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व या लीक करने के एवज में 10 से 15 लाख रुपए लेते थे। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, लैब संचालक सहित कई लोग जांच के दायरे में आ रहे हैं। 20 और 21 अप्रैल को ऑनलाइन हुई इस CGEPT परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही। मामले में गठित SIT की टीम अन्य संदिग्ध युवकों की तलाश में अब हरियाणा सहित कई राज्यों में जाएगी। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ के बाद इस मामले में कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जाके वहां जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ करी गई तो वाकई में उनके पास में उनके मोबाइल्स में इस तरह के मटेरियल मिले जो पेपर लीक से संबंधित थे। ये पेपर जिसके संबंध में पूरी बात हो रही है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर था, नाविक का ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, ये नेशनल लेवल का। और इस संबंध में जब बाकी और डिटेल्स देखी गई उनके मोबाइल में तो कुछ पेपर्स नज़र आते हैं और फिर उनसे जब और पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करते हैं और ये रिमोट एक्सेस प्राप्त करते हैं विभिन्न लैब्स में और ये वो रिमोट एक्सेस प्राप्त करके खुद पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट करते हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन पेपर लीक हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है और आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग अपनी TV स्क्रीन पर आप इन आग की 4 तस्वीरों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर हम आपको बीकानेर की दिखा रहे हैं जहां बड़ा बाजार के किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर हम बीकानेर जिले के लूणकरणसर की दिखा रहे हैं जहां पशुबाड़ी में आग की विनाश लीला देखने को मिली है। आप तीसरी तस्वीर बूंदी जिले की देख रहे हैं जहां एक मैरिज गार्डन के टेंट में अचानक आग लग गई, 75 बुजुर्ग की दर्दनाक मौत भी हो गई है। चौथी तस्वीर आप कोटा जिले की देख रहे हैं जहां एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और हड़कंप मच गया। अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अगली खबर धौलपुर से आपको देते हैं जहां मित्तल कॉलोनी में हो रहे प्लॉटिंग को लेकर वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मित्तल कॉलोनी की जमीन पर कब्रिस्तान होने का दावा किया है। इसके साथ ही वहां चल रहे निर्माण के काम को रोकने की मांग की है।
दरअसल अब तक मिले सबूतों से स्पष्ट है कि मित्तल कॉलोनी की जमीन कब्रिस्तान की है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन कब्रिस्तान के नाम से दर्ज नहीं है। भू कारोबारी मित्तल ने इसी का लाभ उठाते हुए मौके पर बैठे किसानों से जमीन खरीदी और आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों में तब्दील कर बेच दी है। जमीन को लेकर कई बार आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में सरसों बेचने के लिए आने वाले किसानों को निराशा हाथ लगी है। मंडी में सरसों का अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। भामाशाह मंडी में सरसों 4,500 से लेकर 5,100 प्रति क्विंटल बिक रहा है। किसानों का कहना है कि भावों में कमी के चलते उनको उपज के दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं और शादी समारोह के सीजन खत्म होने के चलते तेल की डिमांड कम हो रही है, जिसके चलते सरसों के भाव में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि भामाशाह मंडी में बंपर आवक हो रही है, लेकिन भाव में गिरावट के चलते किसान परेशान और मायूस हैं। अच्छे भाव नहीं मिल पाने से के कारण कई किसान सरसों का स्टॉक भी कर रहे हैं और अच्छे भाव के इंतजार में है। मंदी वाला ये तेलों में बाजार कम है, इसलिए आज भी 75 रुपये बिल्टियों में माइनस है। सोयाबीन में 75 रुपये माइनस है। तेल का बिक्रा नहीं हो रहा है इस हिसाब से, और DOC भी मंदी है, उस हिसाब से माल की मांग बाहर से है नहीं, इसलिए बाजार मध्य ही है। वैसे सरसों और सोयाबीन का भविष्य यहीं का यहीं घूम रहा है, यहीं घूमेगा ये। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।